हेलो नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल में। तो BTUP से यहाँ पर बड़ी खबर निकल के आ रही है दो, आप सभी को बता दें रिजल्ट को लेकर एक ट्वीट वायरल हो रहा है जावेद मुस्तफा सर का। क्या है इसकी सच्चाई, आखिरकार उन्होंने खुद इसकी सच्चाई बताई है और यहाँ पर नई सिलेबस में यहाँ पर चेंजिंग की गई है। देख सकते हो BTUP सिलेबस चेंज कर दिया गया है। पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो को पूरा देखेंगे, जो पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले हमारे द्वारा मिलती रहेगी, ठीक है। और हमारे यहाँ पर टेलीग्राम को भी बच्चों आप लोग ज्वाइन कर लेंगे ताकि हम आपको टेलीग्राम पर सारी PDFs वगैरह दे सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिना किसी देरी के जो इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा था, आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि देख सकते हो जावेद मुस्तफा सर का ही तरह लग रहा है, लेकिन इसमें बताया जा रहा है BTUP EVCM रिजल्ट आपको 25 अगस्त को जारी होगा। इस ट्वीट को लेकर जावेद मुस्तफा सर ने खुद, यानी कि देख सकते हो यहाँ पर आप लोग, इस ट्वीट को उन्होंने खुद मतलब फेक माना है, ये किसी ने एडिट किया है, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, उन्होंने खुद बताया। देखिए उन्होंने अभी 44 मिनट पहले ये इसकी जानकारी दी, सर ने बताया है ये ट्वीट मैंने कभी नहीं किया और किसी ने फर्जी बनाया है, लिखने की यहाँ पर देखिए लिखने की भाषा शैली भी मेरी नहीं है और रिजल्ट आपके रिजल्ट के विषय में मैंने पूर्व भी कहा था कि 15 सितंबर से पहले जारी होने की कोई भी उम्मीद नहीं है। यानी कि आप लोगों का बच्चों जो रिजल्ट है वो 15 सितंबर से पहले आने की उम्मीद ही नहीं है, इन्होंने खुद बोला है। और जो ट्वीट वायरल किया जा रहा है, देखिए यहाँ पर इवन सेम रिजल्ट जो 25 को जारी करने की बात कही जा रही है 25 अगस्त को, वो बिल्कुल पूर्णतः फेक है। जावेद मुस्तफा सर ने खुद इसके बारे में जानकारी दी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, उन्होंने बताया है कि ये ट्वीट पूर्णतः फेक है, हालांकि उन्होंने पूरी जानकारी इसके बारे में दे दी है। तो आप लोग परेशान नहीं होंगे, आपका रिजल्ट भी 15 सितंबर के समथिंग आने के चांसेस बन रहे हैं और जैसे ही आगे मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, बिल्कुल परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। तो ये तो रही हमारे रिजल्ट की अपडेट। देखिए कई सारे मतलब इसको लेकर क्या क्या अपडेट आई है, देखिए कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर मैं जावेद मुस्तफा सर को जानता हूँ, उनका लेख नहीं हो सकता क्योंकि कई लोग होते हैं जो एडिट करके चीजों को फैलाते हैं। हालांकि सर ने खुद स्पष्ट कर दिया है कि आपका रिजल्ट है वो 25 अगस्त को नहीं आने वाला, आपका रिजल्ट है वो जाएगा सितंबर के मतलब सेकंड वीक में जा सकता है, ठीक है। ये भी देख सकते हो आप लोग, उन्होंने ये बताया है कि पॉलिटेक्निक के सभी छात्र छात्राएं, AKTU के विश्वविद्यालय या अन्य यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं जो ट्विटर पर मुझसे जुड़े हुए, यदि मेरे नाम से कोई सूचना आपको ट्विटर स्क्रीनशॉट मिलता है तो कृपया एक बार मुझसे कंफर्म जरूर कर लें। तो हम लोगों ने आपसे सर कन्फर्म किया था और आपने हमें सच्चाई बताई कि वो ट्वीट है पूर्णतः फेक है, कि आपका रिजल्ट वो सितंबर में ही आएगा, वो ट्वीट वायरल की तरह फेक ट्वीट है, ठीक है। तो आप लोग उससे थोड़ा इग्नोर रहेंगे, उन चीजों को थोड़ा सा आप लोग मतलब ज्यादा आप लोग उससे बच के रहेंगे, ठीक है। तो आज ही डेट में इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है सिलेबस चेंज को लेकर। यहां पर देखिए नया सत्र पॉलिटेक्निक में 9 पाठ्यक्रम में होगा बदलाव, यानी कि जो आपका 9 ब्रांचों की सिलेबस चेंज किया गया है, कौन कौन सी वो बताने वाले हैं, पूरा वीडियो जरूर देखेंगे आप लोग, ठीक है। यहां पर देखिए कानपुर से अपडेट निकल के आ रही है, पॉलिटेक्निक में नए सत्र से 9 डिप्लोमा 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है। नए सिलेबस के रिगार्डिंग जैसे यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिविटी को शामिल किया गया है, इसमें पढ़ाई के दौरान छात्र छात्रा ग्रुप रजिस्ट्रेशन और इंटरव्यू समेत कई तकनीकी हिस्से लेन हो पाएगा। इसको लेकर शासन का उद्देश्य प्लेसमेंट को मनाना है, कि प्लेसमेंट आपका ज्यादा हो, इसको लेकर ऐसा सरकार सोच रही है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर SCA के 40 अंक 20 के अंक तालिका में जोड़ेंगे, जो कि शोध विकास यानी के संस्थान जो मनोज कुमार जी हैं शोध विकास के बन चुके हैं, पहले ये सचिव थे, ठीक है। नए सिलेबस को बाजार की मांग के अनुसार तैयार किया जा रहा है, आप सभी को पता है बाजार में काफी ज्यादा मांग बढ़ रही है। इसको लेकर जो भौतिक विज्ञान है, केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है, पहले साल तो ये सभी रखने पड़े, मतलब कोशिश की गई है, सीमित रखने की कोशिश की गई है। यहाँ पर थ्योरी पार्ट को कम किया गया है, बाजार की मांग के अनुसार टॉपिक यहाँ पर रखे गए हैं, कौन कौन सी ब्रांच है वो भी बताएंगे, वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे, आप लोग फुल वीडियो देखेंगे। रखे गए जो आपके प्रशिक्षण है और इंडस्ट्रियल विजिट को अनिवार्य रूप से करा गया है, इसके लिए है ना प्रावधान प्रशिक्षण को बनाया गया है। इंडस्ट्रियल विजिट यानी कि जो आपके कॉलेज में होती होगी उसको अनिवार्य किया गया है। और हाँ, सिलेबस को बोर्ड की मंजूरी के लिए मतलब लेटर भेजा गया है, अगले सप्ताह तक मंजूरी मिल जाएगी, नए सत्र से सिलेबस लागू कर दिया जाएगा, यानी कि जो नए बच्चे आएंगे उनका सिलेबस चेंज कर दिया जाएगा
ऐसा ये लोग कह रहे हैं। ठीक है, आप लोग परेशान नहीं होंगे मेरे पास। और अब देखिए कौन कौन सी ब्रांच है, यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। ये देखिए इन कोर्सों में हुआ बदलाव, कौन कौन सी ब्रांच यहाँ पर सही होते, पहले ब्रांच देख लेंगे, बाद में कहें सर आपने बताया नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा ब्रांच में दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, है ना, ये देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा ब्रांच में दिखा देता हूँ, इससे आप लोग थोड़ा परेशान नहीं होंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा ब्रांच भी दे रखा है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, और आप यहाँ पर मेंटेनेंस इंजीनियरिंग और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, हेलीकॉप्टर एंड पावर प्लांट, डेयरी इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल डिजाइन, आपका प्रिंटिंग के रिगार्डिंग टेक्सटाइल डिजाइन, फैशन डिजाइन एंड गारमेंट्स टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी और लेदर टेक्नोलॉजी फुटवियर। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सारे इतने सारे ब्रांचों का जो सिलेबस है वो चेंज किया जाएगा, ये आज के न्यूज़पेपर में दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आया था आज ही के न्यूज़पेपर में। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता चल गया, ठीक है। तो जो सिलेबस में बदलाव किया जा रहा है, आप देख सकते हो इन ब्रांचों में बदलाव किया जा रहा है, और जैसी और अपडेट आएगी हम आपको अपडेट करेंगे, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो फेक ट्वीट वायरल हो रहा था उसको लेकर जावेद मुस्तफा ने अपडेट दे दिया है कि ये ट्वीट मैंने नहीं किया था, फर्जी ट्वीट बनाया गया था। तो आपका रिजल्ट 15 सितंबर के समथिंग आने की उम्मीद है, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं हो, जैसी और अपडेट आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। तो फिर डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।